हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कुल्फी। अभी गर्मी का सीज़न आ गया है, इसलिए हम आज कुल्फी बनाने जा रहे हैं। तो कुल्फी बनाने के लिए हमने ये 1/2 लीटर दूध बॉईल करके ठंडा करके लिया है। आप डायरेक्टली भी फ्रेश मिल्क यूज़ कर सकते हो। ये 6 टेबल स्पून हमने पाउडर शुगर लिया है, 2 टेबल स्पून हमने मिल्क पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लावर लिया है और 1/2 टीस्पून हमें वैनिला एसेंस लगेगा। तो आइए हम मलाई कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम दूध को बॉईल आने के लिए रखते हैं। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दूध को अभी उबाल आ चुका है। इसे हम 5 मिनट के लिए उबलने देंगे। आइए फ्रेंड्स, जब तक कि हमारा दूध उबल रहा है, ये हम मिल्क पाउडर है 2 टेबल स्पून, इसमें ये 1 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, ये इसमें ऐड करते हैं। और ये उसी दूध में से मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था, तो ये मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पेस्ट बना लिया है मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर का। अभी इसे हम उबलते हुए दूध में मिक्स करेंगे। ये धीरे धीरे करके हम इसमें मिक्स करेंगे और इसे अभी 2-3 मिनट के लिए वापिस से उबलने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 मिनट के लिए उबाल लिया है। अब हम इसमें ये 1/2 टीस्पून वैनिला एसेंस डालेंगे। वैनिला एसेंस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी हम धीरे धीरे करके ये शुगर इसमें ऐड करेंगे। शक्कर आप आपके चॉइस के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। ये मैंने 6 टेबल स्पून पाउडर शुगर लिया है। शक्कर डालने के बाद 3 मिनट के लिए हमने इसे उबाल लिया है। अब ये देखिए, हमारा दूध बहुत ही ठीक हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने देते हैं। हमारा दूध ठंडा हो चुका है, इसमें हम ये बादाम और पिस्ता क्रश करके लिया है, वो डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे मोल्ड में डाल रही हूँ। इस तरह से मैं सभी मोल्ड भर लेती हूँ। हमने सभी मोल्ड में दूध भर लिया है। इसे हम अच्छे से बंद करके फ्रीज़र में 8-10 घंटे के लिए रखेंगे। फिर बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी कुल्फी कैसे जमी है। ये देखिए फ्रेंड, हमारी कुल्फी बनके तैयार हो चुकी है। इसे हमने 8-10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए इसे हम पानी में थोड़ा सा डिप करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छी जमी है हमारी कुल्फी। मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कुल्फी कितनी अच्छी बनी है। अब हम इसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल के गार्निश करेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी बनी है हमारी कुल्फी। ये मेरी कुल्फी की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।